हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, काफ़ी बारिश हो रही है, तो मैंने बनाई है कान्हा जी के लिए जैकेट और पैंट। काफ़ी सुंदर है, इसमें हमारे कान्हा जी को ठंड नहीं लगेगी। छोटी मोटी ठंड के लिए ये काफ़ी अच्छी है। वैसे तो मैंने बहुत मोटे कपड़े से बनाई है, मैं इसे फुल सर्दी में भी यूज़ करने वाली हूँ अपने कान्हा जी के लिए। फ्रेंड्स, ये 1, 2, 3 नंबर कान्हा जी के आराम से आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस तरीके का जैकेट का कपड़ा था। आप इसे सिंपल रुमाल से भी बना सकते हैं, मार्केट में काफ़ी रुमाल मिलते हैं जिनका कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है। इस तरीके के आप रुमाल से बना सकते हैं इसे, और आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। 10-15 रुपए में आप आराम से ये ड्रेस बना सकते हैं कान्हा जी के लिए। ये देखिए, पहले मैंने इस तरीके से अपने कपड़े को इकसार कर लिया है। पहले आप जितने भी साइज की बना रहे हैं, बस अपने कान्हा जी की कमर से थोड़ी नीचे तक लेंथ ले लें। ये देखिए, इस तरीके से हमें अपना फैब्रिक ले लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी लंबाई दिखा रही हूँ, 5.5 इंच है, और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। अगर आप 5 नंबर 4 नंबर के लिए बना रहे हैं तो चौड़ाई कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो 7, 7.5 इंच रखें, और लंबाई इसकी आप 9 इंच कर दें। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसे इकसार कर लेंगे अपने कपड़े को। और ये देखिए, हमें छोटा सा यहाँ पर मुड्ढा कट करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। देखिए, इस तरीके से ही करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसे बीच से भी अलग कर देंगे। कट हो गया है, अब इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। क्योंकि कपड़ा मेरा काफ़ी मोटा है तो मुझे पहले प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इस तरीके से इसको एक बार फिर से फिनिशिंग दे दी है अपने मुड्ढे को, और इस तरीके से मैंने बीच से कट कर दिया है। अब यहाँ से हम अपनी नेक कट कर लेंगे, छोटी सी, बहुत बड़ी नेक कट नहीं करनी है। ये देखिए, इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए, इसके भी मुड्ढे को मैं एक बार फिनिशिंग दे देती हूँ, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी मोटा था तो एक साथ बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये कोटी आ गई है। ये जैकेट बनाने का कान्हा जी की बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से हम अपनी बाजू की लेंथ ले लेंगे। 2 इंच की मैंने यहाँ पे बाजू ली है ये, और इस तरीके से देखिए, 1.5 इंच का हमने ये मुड्ढा लंबाई में था, और इस तरीके से इसको गोलाई दे दी। बहुत हल्की सी गोलाई देनी है, यहाँ पर ही आराम से सेट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी गोलाई दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों बाजू को हमने गोलाई दे दी है। अब हम इसकी पैंट कट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है। अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले। देखिए, मैंने इस तरीके से ये कट की पट्टी अपनी। ये देखिए, इसकी लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच, 2.5 इंच से थोड़ी सी कम थी। ये देखिए, इस तरीके से हम अब अपनी कैप कट कर लेंगे। इस तरीके से एक कॉर्नर मोड़ेंगे और इस तरीके से इसको हल्की सी हमने गोलाई दे दी। बहुत ही कम कपड़े में हम ये जैकेट कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। ये हमारी कैप हो गई है। इस तरीके से मोड़ के आपको यहाँ से इस तरीके से कैप कट कर लेनी है। मैंने अब यहाँ पर एक उरेब की पट्टी कट की है। देखिए, 1 इंच की पट्टी है ये। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से अपनी जैकेट के पार्ट्स को, आगे वाले फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इनको हम अच्छे से लॉक कर देंगे, सिल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इन्हें सिल देना है। दोनों पार्ट्स को बिल्कुल सेम तरीके से हमें सिलना है, फ्रंट वाले। ये देखिए, सिल गए हैं दोनों पार्ट्स। इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से लुक आएगा। अब देखिए, इस तरीके से उल्टी साइड से इस तरीके से रखेंगे। आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, और बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे आराम से बना लोगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हमें इन्हें सिल लेना है। हल्का सा पक्का करेंगे ताकि सिलाई ना खुले, और इस तरीके से इनको अटैच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने सिल लिए हैं दोनों चीज़।
अब इस तरीके से मैं यहाँ से सारा फैब्रिक बिल्कुल इकसार कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से सब सेट हो गया है। देखिए इस तरीके से हमारा ये लुक आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें कैप लगा लेते हैं। तो पहले हम कैप को रेडी कर लेते हैं। हमें क्या करना है, कैप को इस तरीके से मोड़ना है और इसके ऊपर वाली चोंच को इस तरीके से सिल देना है। ये देखिए दो बार सिलाई लगा देंगे अच्छे से पक्का करके। एक्स्ट्रा को आप काट भी सकते हैं, ये इस तरीके से आएगा। अब हमें यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है, तो हम इसको इस तरीके से पहले यहाँ पर हल्का सा सिल लेते हैं क्योंकि कैप हमारी थोड़ी बड़ी है और जगह थोड़ी कम है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक सिलाई लगा दी, थोड़ा कम हो गया। अगर फिर भी ज़्यादा हो तो आप इसमें एक दो छोटे छोटे घूम भर सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल फिटिंग से एकदम अच्छे से आएगा। या फिर आप इसे पहले भी लगा सकते हैं, इन दोनों को अटैच करने से पहले। ये देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लगा देंगे। आप इसको फ्रंट पार्ट को लगाने से पहले भी लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा इसी तरीके से रहता है, तो मैंने इसलिए इसी तरीके से लगाया था। बहुत ईजी है ये भी। ये देखिए इसमें हल्की सी इस तरीके से दो चुन्नट आ गई है ना। ये देखिए इस तरीके से हमारी कैप आ गई है ये फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसमें बाजू लगा लेंगे अपनी। चलिए बाजू लगा लेते हैं। आप इसे हैंकी से भी बना सकते हैं, मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर हैंकी मिलते हैं, उससे आप कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना सकते हैं। पहले हम अपनी दोनों बाजू इस तरीके से लगा लेते हैं। हमने अपनी दोनों बाजू भी लगा ली हैं। अब देखिए इस तरीके से ये आया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और बाजू से स्टार्टिंग करनी है सिलाई की। बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई लगानी है, ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा इधर। ये देखिए हम अपनी जैकेट में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगानी है, सेम तरीके से। सिलाई लगा ली है और इस तरीके से हमारी जैकेट का लुक आया है, काफ़ी सुंदर लग रही है। ये देखिए अब मैंने अपनी पैंट की पट्टी ली है। मैं इसको इस तरीके से एक इंच की मैंने यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक लिया है, जिसको मैं इसके लॉक कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे सिलना है। इस तरीके से सिलने के बाद में इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सिल ली है इसको। अब हम लास्ट स्टिच लेंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 6.5 इंच है और इधर से 2 इंच है। इस तरीके से फोल्ड करना है हमें इसे। ये देखिए मैंने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा जा रहा था उसको कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक हमें जहाँ हमने अस्तर लगाया था उससे दूसरी साइड ही लगानी है। इसको यहाँ से पहले 2-3 बार अच्छे से पक्का करेंगे, फिर इसको इस तरीके से खींचते हुए लास्टिक लगाएंगे हम इसमें। लास्टिक का कोई ऐसा नाप नहीं है, कोई साइज नहीं है, बस आपको खींच के ही इसमें लास्टिक लगानी है। देखिए कितनी अच्छे से आई है ना फिनिशिंग, इस तरीके से ही आएगी। इस पर एक बार और सिलाई लगा दें। ये देखिए इस तरीके से आ गई है ये। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें एक सिलाई अच्छे से पक्का करके लगा लेंगे। इस तरीके से आएगी। अब हम इसकी इधर से बहुत छोटा सा हमें कट करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। देखिए इतना ही कट करना है जिस तरीके से मैंने किया है, और वी शेप में हम यहाँ पर इसमें एक सिलाई और लगा देंगे। बहुत ही आसान है गाइस। अगर आपने कभी कान्हा जी की ड्रेस नहीं बनाई है, आप ज़रूर ट्राई करें, आप इसे आराम से बना लोगे। ये देखिए इस तरीके से
अब एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे और यहाँ से हमें बहुत हल्का सा कट लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी पैंट को खोल लेंगे। हमारी जैकेट और पैंट बनकर तैयार है। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है हमारी पैंट में और जैकेट में भी। जैकेट में आप इसमें चटकनी बटन कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने कान्हा जी लिए हैं और ये अपनी जैकेट और पैंट ली है। मैं आपको इसको पहना कर दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक चटकनी लगा दी है और यहाँ पर मैंने इसी तरीके से अस्तर से लॉक कर दिया था, जिस तरीके से हमने अपनी पैंट को लॉक किया था नीचे से। बहुत ही आसान है गाइस। मेरे कान्हा जी 4 नंबर के हैं और ड्रेस हमारी 1, 2, 3 नंबर की है, तो थोड़ी सी इनको फिटिंग की और थोड़ी टाइट आई थी। ये देखिए इस तरीके से फिर भी मैंने आपको पहनाकर एक बार दिखा दिए कि किस तरीके से इसको पहनाना है। ये देखिए इस तरीके से पहना देंगे आसानी से, आराम से। ये देखिए गाइस हमारे कान्हा जी की ड्रेस बिल्कुल रेडी है और कान्हा जी ने पहन ली है। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। सर्दियों में आप कान्हा जी के लिए इसी तरीके की ड्रेस बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।